आशा देवी की दो बहुएं थीं, सुनीता और सुप्रिया। सुनीता थोड़ी मोटी थी और सुप्रिया पतली दुबली थी। सुप्रिया हर तरह के कपड़े पहन लेती थी, पर सुनीता मोटी थी इसलिए वो अपनी बॉडी के हिसाब से ही कपड़े पहनती थी। माँ जी, ये इवनिंग गाउन मुझ पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बहू, तुम तो पतली दुबली पतंग हो, तुम पर तो सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। थैंक यू माँ जी। अरे सुनीता भाभी, आप क्या पहन रहे हो? आप भी कुछ इवनिंग गाउन या मैक्सी टाइप का कुछ पहन लेते। नहीं सुप्रिया, मैं इतनी मोटी हूँ, मुझ पर कहाँ ये सब अच्छा लगेगा। सुप्रिया बहू, सुनीता इतनी मोटी है, उस पर भला ये कपड़े थोड़ी अच्छे लगेंगे। तुम भी कैसी बातें करती हो, इस पर बस साड़ी और सूट ही सही लगते हैं, ये उनमें ही ठीक ठाक लगती है। चलो अब तुम सब तैयार हो जाओ, समय पर सगाई फंक्शन में पहुंचना है। ना जाने उस दिन अपनी सास की बात सुनीता को चुभ गई और वो इस बारे में सोचने लगी, पता नहीं ये अपने आप को क्या समझते हैं। अब देखना मैं भी छोटे छोटे कपड़े पहनूंगी और सुप्रिया से ज्यादा सुंदर लगूंगी मैं। अगले दिन ही सुनीता अपने लिए शॉपिंग करने चली गई और उसने वहाँ से छोटी छोटी स्कर्ट टॉप, कैपरी, मिडी, वन पीस वगैरह खरीद लिए। सुप्रिया का जन्मदिन था तो सब लोग बाहर खाना खाने जा रहे थे। सुप्रिया ने बहुत सुंदर शॉर्ट मिडी पहनी थी। कुछ देर बाद सुनीता भी तैयार होकर आ गई, पर ये क्या, उसने इतनी शॉर्ट मिडी पहनी हुई थी कि वो बहुत अजीब लग रही थी। अरे बहू, ये क्या, तुम ये क्या पहन रही हो, ये कोई तुम पर अच्छा लग रहा है इतने छोटे कपड़े? अरे वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू, मैंने सोचा जब तुम पहन सकती हो तो मैं क्यों नहीं पहन सकती, इसलिए मैं आपसे छोटे कपड़े ही पहना करूंगी। सुनीता के सिर पर तो भूत सवार हो गया था कि वो सुप्रिया की बराबरी करेगी, और यही उसने गलत किया। अब वो रोजाना ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर आने जाने लगी। छोटे कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, पर हमें अपनी बॉडी की बनावट के ही कपड़े पहनने चाहिए, तभी हम पर जचते हैं। पर ये बात सुनीता समझ नहीं पा रही थी। अरे क्या हुआ सुनीता, कितनी देर से तैयार हो रही हो? अरे आ रही हूँ ना, तैयार होने में टाइम भी तो लगता है। पिक्चर आधी निकल गई होगी और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, फिर कहोगी कि मैं टाइम पर नहीं आता। अरे तुमने ये क्या पहन लिया, इतनी छोटी निकर, तुम्हें क्या हो गया सुनीता, थोड़ा तो ख्याल किया करो, इतने छोटे कपड़े पहन लिए, कितनी अजीब लग रही हो। अरे सुनीता भाभी, आप तैयार नहीं हुए, वो देखो सुप्रिया ने भी तो शॉर्ट स्कर्ट पहनी है, उसको तो इस घर में कोई कुछ नहीं कहता, मुझे ही सब बोलते हैं। मैं तो सुप्रिया से ज्यादा सुंदर हूँ, मेरे ऊपर कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये तो देखो ना कैसी सपाट सी है पतली दुबली, मैं तो फिर भी भरे हुए शरीर वाली हूँ। भाभी ये नहीं है कि आप मेरी जेठानी हो तो मुझे कुछ भी बोलती रहोगी, आप मेरी जगह ले भी नहीं सकते, मेरे ऊपर वेस्टर्न कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो अलग बात है कि मैं आपको कुछ कहती नहीं हूँ और आप कुछ भी बोले जा रहे हो, जो भी मुँह में आ रहा है। अरे मैंने क्या गलत बोला, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, मुझे पता है, हाँ मैं मोटी हूँ ये अलग बात है, देखना एक दिन मैं अभी पतली होकर दिखाऊंगी, फिर तुमसे ज्यादा मुझ पर कपड़े अच्छे लगेंगे। हाँ हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है, मुझे क्यों बीच में ला रही हो। हाँ नहीं तो मुझे नहीं जाना कोई पिक्चर देखने आप लोगों के साथ, और आज के बाद मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, धीरज मैं नहीं जा रही हूँ पिक्चर, तुम्हें अगर भैया भाभी के साथ जाना हो तो चले जाओ। भाभी आपने ठीक नहीं किया। सुनीता और सुप्रिया के बीच लड़ाई पड़ गई, दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। गलती सुनीता की थी, उसने सुप्रिया का अपमान किया, पर वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। घर में तो ऐसा माहौल हो गया जैसे घर में कोई रहता ही ना हो, ये देखकर आशा देवी बहुत दुखी हुई। बताओ सुनीता, तुम्हारी वजह से आज घर में सब कितने परेशान हैं, तुम्हें पता भी है तुमने सुप्रिया से किस तरह से बात की। माँ जी आपको तो मैं ही गलत दिखाई देती हूँ, आप ये क्यों नहीं कहती कि आप सुप्रिया से ज्यादा प्यार करते हो, मुझे नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है सुनीता, ना जाने तुम्हारे दिमाग में क्या नफरत का कीड़ा पनप रहा है, जब देखो तब गलत ही सोचती रहती हो। अरे हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा भला ही सोचते हैं, सिर्फ तुम्हें थोड़ा बहुत कपड़ों के लिए क्या बोल दिया, तुम तो सबसे ही लड़ने लगी हो, ऐसा ना हो कि मैं भी तुमसे बात करना बंद कर दूं, फिर तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। और फिर ऐसा ही हुआ, आशा देवी ने भी धीरे धीरे सुनीता से बात करना कम कर दिया, क्योंकि वो किसी की सुनती ही नहीं थी, उसे तो अपने में कोई कमी नजर ही नहीं आती थी, हमेशा दूसरों की गलती ही उसे नजर आती थी। पड़ोस के घर में किसी की शादी थी, सब लोग तैयार हुए, सुनीता ने फिर से अपने मन की चलाई, वो कट स्लीव डीप नेक का वन पीस पहनकर तैयार हो गई, जो देखने में थोड़ा शॉर्ट था। अब कोई उससे बात नहीं कर रहा था इसलिए किसी ने भी उसे मना नहीं किया। सुप्रिया ने डिजाइनर साड़ी पहनी, सास ने भी अच्छे कपड़े पहने, सब लोग तैयार होकर शादी के फंक्शन में पहुंचे, सबका ध्यान सुनीता की तरफ ही था। सुनीता बहुत ही अजीब लग रही थी, उसने जो वन पीस पहना हुआ था वो बहुत ज्यादा टाइट था,
जो उसकी बॉडी से चिपक रहा था। पर उसे तो लग रहा था कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। सब लोग डीजे पर डांस करने लगे। सुप्रिया भी सबके बीच डांस कर रही थी, पर जैसे ही वो थोड़ा जोश में डांस करने लगी, अचानक उसका वन पीस पीछे से फट गया और सुनीता एकदम घबरा गई। और बहनों, ऐसे कपड़े कितनी बार मना किया था कि तरीके के कपड़े पहनो, अब क्या करूं मैं, यहाँ पर माँ और सुप्रिया भी नजर नहीं आ रही हैं। अब रो क्यों रही हो, साइड में आओ ताकि कोई और ना देख ले, वहाँ दीवार के पास खड़ी हो जाओ। तभी सुप्रिया और आशा देवी आ जाती हैं। क्या हुआ सुनीता भाभी, आपकी आंखों में आंसू? मैं माँ को पानी पिलाने के लिए गई थी, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो, यहाँ सबके बीच अच्छा नहीं लग रहा, तुम दोनों में कोई लड़ाई हुई है क्या? माँ एक सेकंड इधर आओ। अनिल अपनी माँ के कान में ये बात बता देता है। सुप्रिया बहू जरा बात सुनो, सुनीता की ड्रेस पीछे से फट गई है, इसीलिए वो दीवार के साथ खड़ी है, कुछ करो ताकि हम गेट तक जा सके और कोई देखे ना, इस बात का ध्यान रखना। माँ जी आप चिंता मत करो, सुनीता भाभी को इस हालत में कोई नहीं देखेगा, मैं उनके साथ रहूंगी। भाभी आप आओ मेरे साथ चलो, बस आपको इस तरह बिहेव करना है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सुनीता सुप्रिया के आगे थी और सुप्रिया ने सुनीता को पीछे से कसकर पकड़ रखा था। क्या हुआ बहू, तबीयत ठीक नहीं है क्या सुनीता की? हाँ आंटी जी, वो पता नहीं डांस करते करते भाभी को चक्कर आ गए, घर जा रहे हैं। अच्छा आंटी जी मैं चलती हूँ, भाभी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। सुप्रिया सुनीता को लेकर गाड़ी तक पहुँचती है, सब लोग घर लौट आते हैं। सुनीता बहुत शर्मिंदा थी, वो सबसे सॉरी बोलती है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आप सबका अपमान हो। और सुप्रिया मैं तुमसे भी सॉरी बोलती हूँ, मैंने छोटी सी बात के लिए तुमसे कितनी लड़ाई की, पर फिर भी तुमने आज मेरी इतनी मदद की है। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, उस समय आपकी मदद करना मेरा फर्ज था, आप मेरे से बड़े हो, मेरी बड़ी बहन की तरह हो। अब एक बात आपको मेरी भी माननी पड़ेगी, आपके लिए कपड़े मैं डिसाइड करूंगी, बहुत सुंदर वेस्टर्न कपड़े, पर आपके हिसाब से जो आप पर बहुत सूट करेंगे। बहू मन खराब मत करो, सब कुछ ठीक है, तुम और सुप्रिया इस घर की रौनक हो, आपस में कभी भी लड़ाई मत करना, हमेशा मिलजुल कर रहो। सुनीता और सुप्रिया एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सुप्रिया सुनीता को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है और उसके बॉडी शेप के हिसाब से बहुत ही सुंदर वेस्टर्न ड्रेस उसको खरीद कर देती है। वेस्टर्न कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, पर हमें हमेशा अपने बॉडी शेप के हिसाब से ही कपड़े खरीदने और सिलवाने चाहिए, ताकि हम उन कपड़ों को पहनकर खुद को कंफर्टेबल महसूस करें और दिखावा करने की कोशिश में लोगों के बीच मजाक का पात्र न बने। राशि सुबह से परेशान थी, उसकी कामवाली की सास बीमार थी, इसीलिए वो 2 महीने की छुट्टी पर गांव चली गई। क्या हुआ राशि, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है और तुम अभी तक किचन में ही हो? तो और क्या करूँ, पुष्पा अचानक छुट्टी लेकर गांव चली गई, बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स में पूछ लिया है, किसी की भी कामवाली खाली नहीं है। एक काम करो, तुम गाड़ी लेकर ऑफिस पहुंचो, मैं ऑटो लेकर अपने ऑफिस चली जाऊंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? मेरा नाम सुदर्शन है और ये मेरी पत्नी अनुपमा है, हम दिल्ली से आए हैं। आपके नीचे वाली बिल्डिंग के फ्लैट में जो अशोक रहता है वो मेरा भांजा है। पता नहीं, बहुत देर से हम घंटी बजा रहे थे, किसी ने फ्लैट का दरवाजा ही नहीं खोला। हाँ, हमने तो एक हफ्ता पहले ही अशोक को बता दिया था कि हम मुंबई आ रहे हैं, इनके घुटने का इलाज करवाना था, तो सोचा अशोक तो यहाँ रहता ही है। अशोक को फोन किया आपने? बेटा यहाँ आते हुए टैक्सी में फोन की डायरी सीट पर ही छूट गई, उसी में ही अशोक का फोन नंबर था। रुकिए मैं अशोक को फोन मिलाता हूँ। हाँ हेलो अशोक, मैं समीर बोल रहा हूँ, वो तेरे मामा जी यहाँ आए हुए हैं, तू कहाँ है? हेलो हेलो समीर, मैं तो जरूरी काम से काजल के साथ लंदन आया हुआ हूँ। लंदन? पर तेरे मामा मामी यहाँ मेरे घर पर हैं, अब उन्हें क्या बोलूँ? एक काम कर यार, मेरी थोड़ी मदद कर दे, मैं 2-3 दिन में जैसे ही काम खत्म होता है वापस लौट आऊंगा, तब तक तू मामा मामी को अपने घर पर ही रख ले यार, तू मेरा दोस्त है ना। पर अशोक, हेलो हेलो समीर, यहाँ नेटवर्क नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मामा मामी का ख्याल रखना। हेलो हेलो, अशोक फोन काट देता है। समीर कमरे में जाकर राशि को सारी बात बताता है। क्या अशोक का दिमाग खराब है क्या, हम दोनों वर्किंग है, मेड मेरी आ नहीं रही है, ऊपर से ये दिल्ली वाले मेहमान, वो भी अपने नहीं किसी और के, और उनकी देखभाल हम क्या करें? मैं अभी जाकर उन्हें कह देती हूँ कि वो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। रुको राशि, बेचारी दिल्ली से आए हैं, पता नहीं उन्होंने चाय पानी पिया भी है या नहीं, बुजुर्ग हैं, ऐसे उनको एकदम से भेजना अच्छा नहीं रहेगा, इतने बड़े मुंबई शहर में कभी ऊंच नीच हो गई तो अशोक तो हमें ही कहेगा ना, 1-2 दिन देख लेते हैं, अशोक आ ही जाएगा। समीर सुदर्शन और अनुपमा को सारी बात बताता है। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। अंकल जी आंटी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप
पीछे से कुछ भी आपको खाना हो फ्रिज में रखा हुआ है आप ले लीजिएगा। हाँ हाँ बेटी, तुम आराम से अपने काम पर जाओ, हमें जो चाहिए होगा हम ले लेंगे। समीर और राशि अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब राशि ऑफिस से लौटती है तो वो घर की हालत देखकर हैरान रह जाती है। ओ नो, इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? ये स्मेल नहीं बेटी, ये तो देसी घी की खुशबू है। तुम्हारे फ्रिज में मलाई की बहुत सारी कटोरी रखी थी तो मैंने सोचा इसका शुद्ध ताजा देसी घी बना लेती हूँ, तुम्हारे काम आएगा। पर आंटी जी, मैं और समीर देसी घी नहीं खाते हैं, हम लोग ऑलिव ऑयल लेते हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, ऑलिव ऑयल भी खाओ पर पराठे पर, साग में, दाल में देसी घी ही अच्छा लगता है। रात को सबको खाना खिलाकर जब राशि सोने के लिए कमरे में जाती है तो वो मन ही मन गुस्से में थी। वो कमरे में आते ही समीर पर बरस पड़ी। अरे ये अशोक के दिल्ली वाले मेहमान कब तक रहेंगे? पता है आज सारी रसोई में देसी घी की स्मेल भर गई, और ऊपर से वो अंकल जी न्यूज़पेपर कहीं रखा है, सोफे के कवर फैले हुए हैं, उनको मैं टोक नहीं सकती थी, पर ये लोग कब जाएंगे, मैं तंग आ गई हूँ। अभी राशि समीर से बात कर ही रही थी कि तभी सुदर्शन दरवाजा खटखटाता है। अब क्या हुआ अंकल जी, बताइए, कोई परेशानी तो नहीं है? समीर बेटा, रात को सोने से पहले मुझे हाजमोला खाने की आदत है, क्या तुम्हारे पास हाजमोला होगी? अंकल हाजमोला तो नहीं होगी, एक काम करते हैं, नीचे बराबर में ही एक दुकान है, वो अभी खुली हुई होगी, चलिए मैं आपको लेकर दे देता हूँ। जाओ जाओ, मेहमानों की सेवा करो, मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना है। समीर और सुदर्शन दोनों सड़क पर बातें करने लगते हैं। अशोक छोटा सा था जब उसकी माँ यानी कि मेरी बहन का स्वर्गवास हो गया, और 2 साल पहले जीजा जी भी गुजर गए। अशोक बचपन में हमारे घर ही आकर रहता था, उसका अपनी मामी से बहुत प्यार रहा है, तभी तो हम बेझिझक उसके पास चले आए। जी अंकल मैं समझ सकता हूँ, वैसे आप चिंता मत कीजिए, अशोक 2-3 दिन में लौट आएगा, अगर आप कहें तो आपके घुटनों को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। जीते रहो बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिल जाएगा, मैं तो थोड़ा इसलिए टहल लेता हूँ कि हाथ पैर चलते रहने चाहिए। सुदर्शन और अनुपमा को समीर के घर रहते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था, पर अशोक फोन नहीं उठा रहा था। समीर सुदर्शन को डॉक्टर के पास ले जाता है और सुदर्शन के घुटनों का इलाज शुरू हो जाता है। एक दिन अशोक का फोन खुद आ जाता है। अरे अशोक कहाँ था तू, इतने दिन से मैं तुझे फोन मिला रहा हूँ, तेरे पास मामा जी के सारे एक्सरे रिपोर्ट और डॉक्टर की रिपोर्ट जो उन्होंने तुझे दिल्ली में दी थी, तेरे फोन में उसकी फोटो होगी, पर तूने मेरा फोन नहीं उठाया। अब मैंने डॉक्टर से दोबारा इलाज शुरू करवाया, पर तू कब आ रहा है कुछ बता तो सही, क्योंकि डॉक्टर ने मामा जी को 15 दिन और यहां रुकने की बात कही है, उन्हें कुछ एक्सरसाइज बताएगा डॉक्टर। सॉरी यार, मैं यहां पर बहुत फंस गया हूं, मेरा काम ही खत्म नहीं हो रहा है, मुझे अभी कम से कम 10 दिन और लगेंगे यार, प्लीज तू यार किसी तरह से ना मामा जी और मामी जी को अपने पास रख ले, अगर तू कहे तो मैं खर्चे के पैसे भेज देता हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चल मैं देखता हूँ, ठीक है। समीर आखिर क्या करता, वो मजबूर था, वो मामा जी को अपने घर से जाने के लिए नहीं कह सकता था, वो जानता था कि वो बुजुर्ग दंपत्ति किस परेशानी से गुजर रहे हैं। एक दिन जब राशि गुस्से में समीर पर बरस रही थी तो अनुपमा चुपके से उनकी बातें सुन लेती है। तुम्हें पता भी है समीर, उन लोगों के आने से घर खर्च कितना बढ़ गया है, पहले मेरी और तुम्हारी सैलरी में से कितने पैसे बच जाते थे, पर अब देखो गर्मी के दिन है, एयर कंडीशनर का भी बिल डबल आ रहा है, रसोई में भी गैस चूल्हे का बिल पहले कितना कम आता था, ऊपर से इस फ्लैट का किराया। अरे धीरे बोलो राशि, अंकल आंटी बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हैं, उन तक हमारी आवाज ना पहुंच जाए। अरे अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की तो बात है, अशोक लौट आएगा, वो बोल रहा है, आज ही मेरी उससे बात हुई है, वो 10 दिन बाद वापस लौट रहा है। अनुपमा जाकर सारी बात सुदर्शन को बताती है, वो दोनों समीर और राशि की मजबूरी को समझ गए थे। सुदर्शन उसी शाम बाजार जाकर राशन का बहुत सारा सामान, खाने पीने की चीजें, फल सब्जियां सब खरीद लाता है। अनुपमा उस रात बढ़िया बढ़िया खाने के व्यंजन बनाती है। जब राशि और समीर घर लौटते हैं तो घर का तो पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। राशि थकी हुई रसोई में खाना बनाने जा रही थी, वो देखती है रसोई में तो दाल सब्जी रोटी चावल सब कुछ तैयार था, वो देखकर हैरान रह जाती है। समीर बेटा, राशि तुम दोनों जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे, और तुम्हारे अंकल जी ये कुछ सामान लाए थे, मुझे बता देना राशि बिटिया ये सब सामान कहाँ रखना है। अरे अंकल इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो मेरे अपने अशोक जैसे ही हो। उस दिन से राशि और समीर मानो सुदर्शन और अनुपमा से इस तरह घुल मिल गए जैसे कि वो उनके लिए पराए नहीं सके ही हो। कुछ दिन तक अशोक वापस नहीं लौटा, पर समीर और राशि को अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी, वो दोनों सुदर्शन और अनुपमा के आने से बहुत खुश थे। और एक दिन सुदर्शन और अनुपमा जब दिल्ली वापस जाने लगे तो अशोक लौट आया। समीर बेटा,
राशि बिटिया, तुम दोनों ने हमें अपनों से भी बढ़कर प्यार दिया, ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, इसे बड़ों का आशीर्वाद समझकर रख लेना, मना मत करना बच्चों। अंकल ये चाबियां कैसी, मैं कुछ समझा नहीं। समीर बेटा, ये हमारे मुंबई वाले फ्लैट की चाबियां हैं। हम उस फ्लैट में नहीं रहते, हम दिल्ली रहते हैं, इसलिए यहाँ का फ्लैट बंद रहता है। अशोक के पास हमारा आना कभी नहीं हुआ, इसलिए हम कभी उस फ्लैट में जा ही नहीं पाए। अब से ये फ्लैट तुम दोनों का है। हम जानते हैं तुम यहाँ इस फ्लैट में किराए पर रहते हो, अब तुम्हें किराए पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ समीर बेटा, हम दोनों बूढ़े बुढ़िया दो फ्लैट लेकर क्या करेंगे, हम शुरू से दिल्ली रह रहे हैं, आज से तुम दोनों वहाँ रहना और हंसी खुशी उस फ्लैट में गृह प्रवेश करो। पर मामा जी, वो फ्लैट तो आपने मुझे देने के लिए कहा था। चलिए मामा जी, मामी जी आपकी फ्लैट का टाइम हो रहा है, चलो राशि हम मामा जी और मामी जी को छोड़ने चलते हैं। राशि और समीर सुदर्शन और अनुपमा को छोड़ने एयरपोर्ट चले जाते हैं और अशोक उन्हें जाते हुए देखता रहता है। वो जानता था कि वो कहां गलत था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।